कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नंदानगर अंडरपास के कुछ दूर पहले गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शाहिबी आलम पुत्र मोहम्मद कलीम निवासी जमुनिया बाग निकट TNRDL विद्यालय के पास थाना गोरखनाथ गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष कुमार यादव, क्राइम ब्रांच उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह, अरुण सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, राजकुमार सहित कांस्टेबल अनिरुद्ध यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इतिहास है क्या सब कुछ? नहीं, इंस्पेक्टर कैंट ने मुखबिर की सूचना पे एक नंदानगर रेलवे अंडरपास के पास से नाजायज असले के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिनांक 1/22/2022 को 1:15 पे इसमें मुकदमा अपराध संख्या 5/50/22 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। अभी देख सर, अपराधी के इतिहास खंगाला जा रहा है और इसके पास से जो बरामदगी है वो 1 अदद पिस्टल है, 32 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस। जेल गया इसके पहले? नहीं, इसके पहले जेल नहीं गया।